हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कर अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, आज हम जो वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ वो है काउल नेक लाइन कैसे हम करें। ठीक है, तो काउल नेक लाइन ये देख रहे हैं फ्रेंड, जैसे कि काउल नेक लाइन किसे कहते हैं ये तस्वीर से आप लोगों को समझा दूँ तो आप लोगों को सीखने के लिए आसानी होगा। तो ये इसका लुक बहुत क्यूट है फ्रेंड, जैसे कि जो पहनते हैं ये बहुत क्यूट दिखता है ये। तो उसी तरह इसे क्या कहते हैं फ्रेंड, जैसे कि काउल क्या होता है, नेक में थोड़ा सा इसमें प्लीट पड़ जाता है। ठीक है, इधर उधर से ऐसे ऐसे प्लीट होता है तो उससे हम काउल कहते हैं, सिंपल सा है। ठीक है, तो चलिए दूसरा मैं दिखा दूँ आप लोगों को काउल। ये देखिए, और काउल का भी और एक टेक्निक भी होता है, जैसे कि बेसिक में हम कोई अलग से कपड़ा लेकर हम काउल बना कर भी हम लगाते हैं तो उसे भी हम काउल कहते हैं। चलिए और एक टेक्निक में दिखा दो आप लोगों को। ये देखिए, जैसे कि काउल इस तरीके से भी होता है। तो हम जब कटिंग करें फ्रेंड, जैसे कि हम ये जो नेक है फ्रेंड, तो ये नेक आप वी शेप भी कर सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर भी चले जाए, इसी तरह भी ड्रेपिंग की तरह वो भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ सिखा रहा हूँ जैसे कि काउल नेक क्या है। तो काउल नेक क्या है फ्रेंड, जैसे कि ये देखिए, काउल नेक का थोड़ा सा ऐसे ऐसे प्लीट होता है, वही काउल नेक होगा। ठीक है, ये देखिए, और भी मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए काउल नेक। ठीक है, ये देखिए इसका प्लीट कितना अच्छा तरीके से, यानी कि इसका प्लीट है ये देखिए। ठीक है, तो ये काउल से, काउल का ड्रेस के भी हम बहुत सारा वेरिएशन देते हैं, तो वो मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा। फिर मैं सिर्फ जो लोगों को समझा है वो लोग खुद ही समझ जाएंगे इस वीडियो देख कर जिसका वेरिएशन क्या है। जैसे कि मैं वेरिएशन, यानी कि जैसे कि मैं फिर ये जो आर्म होल होता है ना, आर्म होल में बिना कट के मैं जो, जैसे कि हम लोग कैपे स्लिप करते हैं उसी हिसाब से मैं थोड़ा सा कैपे को लेकर मैं इसे जो काउल नेक लाइन से हम जुड़ कर हम एक वेरिएशन, यानी कि अलग से लुक भी हम दे सकते हैं। और जैसे कि हम जो काउल है उसको हम ड्रेपिंग के साथ भी हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, तो इसे हम वेरिएशन करते हैं, उसकी ओर हम ना भरेंगे फ्रेंड, हम सिर्फ दिखाएंगे काउल नेक। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे कि फ्रंट में कितना प्लीट आ जा रहा है, तो इसे कटिंग करने का और थोड़ा सा इसके मैं स्टिच करके दिखा दूंगा, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। इस वीडियो में मेरे ख्याल से दिखाने का बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं इस वीडियो का स्टिचिंग भी दिखाऊंगा और साथ ही इसका पैटर्न कैसे कटिंग करते हैं वो मैं टेक्निक दिखाऊंगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसका पैटर्न। ठीक है, काउल नेक लाइन है। ठीक है, तो ये फ्रेंड कैसे हम तैयार करें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, मैं ये तो आप देख ही रहा है, ये ऐसे मैं तैयार करके जब हम ये ड्रेस पहनेंगे इस जैकेट को, ऐसे 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 ये हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए मैं इसको उठा रहा हूँ, ये देखिए सिंपल सा है ये। और ये जो इसका जो नेक है फ्रेंड, इसका नेक मैंने जैसे कि इसमें भी रखा है, आप लोग राउंड भी दे सकते हो, जैसे कि इस जगह में हम जो राउंड देंगे तो राउंड की तरह हम इस जगह को हम थोड़ा सा कटिंग करेंगे, देखेंगे ऐसे ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि बहुत सारे लोगों ने हमें रिक्वेस्ट किया है, जैसे कि जब हम काउल दिखाएंगे तब जैसे कि हम पूरे तरीके से हम दिखाएंगे, यानी कि ऐसे करके ये इसमें एक शेप होता है। ठीक है, वही शेप लेकर जब हम इसे ऐसे करेंगे तो इसी तरह ये शेप की तरह दिखेगा इस जगह को। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं फिर, इस जगह में एक पार्ट को मैंने इस तरह किया है, और हम लोग जब कटिंग करते हैं तो इस जगह पे फोटी भी लगा देते हैं, और कभी कभी हम दूसरा पार्ट लेकर, यानी कि बेसिक को हम लाइनिंग की तरह एक कटिंग करते हैं, उसके बाद हम जो काटे काउल करें तो उससे हम फ्रंट को हम जुड़ कर हम उसे उल्टा कर, यानी कि हम नेक बोल्ड करें तो उसे उसी हिसाब से भी हम कर सकते हैं, यानी कि भी कर उसी से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है और स्टिच भी थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं इसको स्टिच करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखते रहे। तो फ्रेंड देखिए, इसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा चेंजिंग करना है, और उसके बाद पैटर्न को जैसे कि आप लोगों को क्या करना है, अगर ये फ्रंट में प्लीट अगर हमें बड़ा चाहिए, यानी कि उसका जो वॉल्यूम होगा वो बड़ा चाहिए, ये पीछे कुछ ज़्यादा जाएगा, नहीं तो ये थोड़ा थोड़ा करके देने से भी ये काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह कर देना। ठीक है, और इसी तरह करते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा और भी बढ़ा देते हैं, और भी बड़ा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद हमें
और एक काम करना पड़ता है, ये देखिए एसी का बहुत बड़ा करता है, हम प्लीज देते हैं आप। और ये जो हमारा ये आर्म होल रहेगा ये ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। और इसके बाद इसे हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड ये क्या है, ये शोल्डर है। जब ये ऐसे हो जाएगा यानी कि इस पोजीशन ये टोटली शोल्डर है, और ये घूमकर जैसे प्लीट देना हो जाएगा तो वो ऐसे हो जाए, ऐसे चलेगा। और ये जो पोजीशन है ये हम ऐसे खींच कर हम इसे नेक बना देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसका पैटर्न खत्म करते हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं। और इसका भी और भी चेंजिंग है, तो मैं तो सिर्फ बेसिक दिखा रहा हूँ, आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ये आप सिर्फ ठीक से आप सीख पाए तो इसका भी बहुत सारा टेक्निक होता है, वो आप खुद ही सीख जाएंगे, ठीक है। और जैसे कि हम जब इसके बाद हम जब जैसे कि मैंने बोला कोई भी अगर कोई फैशनेबल ड्रेस यानी कि मैं काउल में की तरह करूँगा तो उसी, बट मैंने इसका वेरिएशन और इसका और भी डिफिकल्ट टाइम में आप लोगों को दिखा दूँगा, ठीक है। मैं तो अभी जो दिखा रहा हूँ आप लोगों को बहुत सिंपल सा, और इसके लिए कोई मेजरमेंट बहुत ज़रूरी नहीं है आपको, ठीक है। तो उसके बाद हम इसे कटिंग करेंगे, बाद में ये पैटर्न को रखते हैं और सिलाई करने के बाद कैसे दिखता है वो मैं दिखाऊँगा। फिर मैं पूरा स्टिच करके नहीं दिखाऊंगा इसको, जैसे कि नेक को कैसे हम जुड़े वो सब नहीं दिखाएंगे, यानी कि इसका जो पट्टी लगा है पता करें, आप तो जानते हैं वो कैसे करते हैं वो सब, तो इसलिए वो सब नहीं दिखाएंगे। सिर्फ इसको कैसे काउल नेक बनाए सिर्फ वो तरीका मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। और फ्रेंड मैं जैसे कि ये नेक ख़त्म कर लूँ उसके बाद कुछ रिक्वेस्ट का वीडियो आया है वो ख़त्म करके मैं और भी डिज़ाइन आप लोगों को दिखा दूँगा, ठीक है। बहुत कुछ दिखाना है, जैसे कि और बहुत बहुत डिज़ाइन है हमारे पास, सभी हम दिखा देंगे, और बहुत सारे टेक्निक भी है सभी हम सिखा देंगे, ठीक है। ये बेसिक देना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स में बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसी तरह होगा, और उसके बाद मैं स्टिच करूँगा क्या है फ्रेंड, जैसे कि जले के ऐसे 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 करके ये हम ठीक है। और क्या है फ्रेंड, जैसे कि जले में हम क्लिक करके ऐसे 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 करके, और उसके बाद ये स्लिप पर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और जो बेसिक पैटर्न है वो उसे दिख जाएगा। तो चलिए मैं अब मशीन में दिखा रहा हूँ, देखिए जैसे कि तो क्या है फ्रेंड, जैसे कि ये देख रहे हैं ये आर्म होल है, और ये जो बॉडी का पार्ट है ठीक है वो इस तरफ है, मगर हमें प्लीट देना है इस जगह को, सिर्फ प्लीट देना है, छोटा छोटा प्लीट दे तो फिर छोटा छोटा दूंगा फ्रेंड, जैसे कि अगर बड़ा देना होता तो एक मेज़रमेंट लेना पड़ता है। तो मेज़रमेंट के बारे में जब ये बात उठा तब मैं बोल दूँ फ्रेंड, जैसे कि हमें तो पता है कितना प्लीट हमें देना है, ठीक है। अगर आपको 3 प्लीट देना है तो इसमें से बड़ा बड़ा करके आपको 3 प्लीट देना होगा, ठीक है। और मैं तो छोटा करके दे रहा हूँ, तो ये देखिए इसका इफ़ेक्ट भी अलग सा दिखेगा, ठीक है। और इसके बाद फ्रेंड देखिए,
दूसरा तरीका मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ फ्रेंड, और दूसरा बात फ्रेंड जैसे कि हमें इधर से प्लीट देना है, ठीक है, जैसे जिस तरीके से मैंने दिया है उसी तरह आपको इधर से प्लीट देना है, ठीक है। अगर हम उल्टा करके दे दे तो ऐसा ही हो जाएगा, जैसे उस तरफ हुआ उसी हिसाब से इस तरफ भी हो जाएगा। कितना प्लीट दिया मैंने, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए इसके बाद क्या है फ्रेंड, ये देखिए। चलिए अब नीचे जाकर मैं समझा दूं आप लोगों को। तो फ्रेंड क्या है ये देखिए, जैसे कि ये ऑटोमेटिकली इसका लूप लग रहा है और उसके बाद हमें ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा हार्म जितना बड़ा था उतना ही हो गया और उसके बाद हमें ऐसे करना, ठीक है। तो इस जगह को मैंने कुछ शेप नहीं दिया फ्रेंड, ठीक है। आप लोगों को जैसे कि शेप देना है तो ये देखिए इसी तरह आपको आप शेप भी दे सकते हैं इस जगह को थोड़ा सा, ठीक है। इसी तरह जैसे कि आप लोगों को दिखा दूं, तो ये देखिए फ्रेंड जैसे कि मैंने शेप दिया इसी तरह शेप हो जा रहा है। अगर चाहे आप भी शेप दे इस जगह को, आप भी शेप भी दे सकते हो, ठीक है। तो उसी तरह भी शेप आ जाएगा, ये देखिए इसका शेप आ रहा है, ठीक है। और इस जगह को ये ऐसे ही दी जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद इसे ऐसे रखना है और ये देखिए, ठीक है। तो फ्रेंड इसके आगे इस वीडियो में मैं ये तो काउल नेक लाइन में दिखा रहा हूँ, जैसे कि इसे कैसे फिनिशिंग करना है इस जगह को वो तो आप जान ही हैं फ्रेंड। जैसे कि और एक पट्टी लगाना होता है इसके जैसे पट्टी लगाना होता है, तो उस पट्टी से हम ये जगह को फिनिश करते हैं, ठीक है। और नहीं कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि जो गेंजी कपड़ा है वो गेंजी कपड़ा का जो रीफ होता है ना उसी से हम इसे करते हैं, ये पार्ट को करते हैं। अगर स्लीप टेस्ट करें इस जगह को हम करते हैं, ठीक है। और हमारा जो बेसिक पैटर्न है और उससे आपको दिखना है जो वो टिक टिक है कि नहीं, तो फिर ये देखिए जैसे कि हमारा बेसिक पैटर्न का जो थिकनेस था वो देखिए, देखिए उतना ही ये आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए जैसे मैंने था उसी से ही हो गया, मगर ये काउल वाला जो नेक था वो उसी के तरह दिखता है। और ये जो प्लीट है फिर वो ऐसे करने के बाद वो हम जब दिखाएंगे, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये देखिए प्लीट को ऐसे अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, जैसे जैसे इस तरफ प्लीट है तो उसी तरफ भी ऐसे ही प्लीट आ जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि आपको प्लीट इधर दिया है आप लोग इस तरफ का प्लीट भी इधर देना है, ठीक है, उसी तरह प्लीट अच्छा बनता है। तो और बाकी इस चीज देने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप खुद करें। और एट फर्स्ट यू हैव टू डू फ्रेंड एनालाइज, ठीक है। कोई भी आप सीखे दुनिया में पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा, कोई भी आपको कुछ सिखा दे उसके बाद भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा, यही है फ्रेंड सीक्रेट है सीखने का, ठीक है। तो चलिए अब कुछ नहीं बोलूंगा इस वीडियो में, जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो उन लोगों से कहूंगा आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे क्या होगा मैं जितना वीडियो नेट पर डालूंगा वो ऑटोमेटिकली आपका चैनल पर चला जाएगा। और जो फ्रेंड घर में बैठकर हमारा वीडियो देख रहे हैं या सीख रहे हैं उन लोगों को फिर से मैं थैंक्स कह रहा हूँ हमारा वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड आप लोग इसी तरह हमारा वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय।